वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, आप देख रहे हैं सारा न्यूज चैनल सच की आवाज़। खुश आमदीद नाज़रीन, सारा न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एमएम पहाड़ी चौरस्ते पर सैयद रहमान गारमेंट शॉप में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। जैसे ही इसकी इत्तला सुलेमान नगर कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब को मिली, फौरी अत्तापुर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटा राम रेड्डी को इसकी इत्तला, पुलिस ने फौरी फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग को काबू करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मजीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। मेरा नाम सैयद इलियाज है, कपड़े की दुकान थी मेरी, पुरानी दुकान है ये। लक्की फंक्शन आ जाने की पहले यहाँ के चार पाँच महीने हो रहा कैसा हुआ नहीं मालूम, जो सब आए डेढ़ बजे बंद करके जाम है दुकान। कहाँ पर है दुकान ये आपकी? पहाड़ी चौरस्ते पे लक्की फंक्शन आल करने, लक्की फंक्शन आल करने की पहले अब यहाँ तो इनमें होटल करने। पूरा रेडीमेड कपड़ों की थी? पूरा रेडीमेड साइड पे लाके भी बेचते थे, कैश में भी करते थे काम। 20 से 22 लाख रुपये का माल पूरा टोटल। अभी बोल। मेरा नाम हुसैन खान है। रात में 1:50 के टाइम पे जहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट की तरफ से पूरी दुकान जल गई पूरी। ये मेन पहाड़ी की रोड कोहिनूर के बाद क्या क्या गया, कितने में लॉस हुआ? 30 लाख का लॉस हो गया। 5 लाख कैश था, 25 लाख का पूरा माल था, पूरा रेडीमेड माल था, बच्चों का, लेडीज का, सबका माल था, पूरा चले गया। पूरा कितने का लॉस हुआ? 30 लाख। 30 लाख कितने का लॉस हुआ? हाँ कितने का लॉस हुआ? 30 लाख। कैश भी था अंदर? TV9 सर, TV9 वाले का शॉप इधर ही है और अंदर भी है, अंदर भी बताता हूँ। इधर से भी ले, अंदर भी ले।